Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम गेम थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ों को जाना था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हमने सीखा था, लाइक सैडल पॉइंट, मैक्सिमम प्रिंसिपल, मिनीमैक्स प्रिंसिपल, वैल्यू ऑफ द गेम्स, एंड हमने न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करी थी, गेम विद प्योर स्ट्रेटजीज एंड गेम विद मिक्स स्ट्रेटजीज की. अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं. आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी को सीखने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. देखिए, डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे कोई भी गेम होता है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स हैं, तो हर प्लेयर की क्या होती है? अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है. अब डिफरेंट स्ट्रेटजीज में अगर कोई प्लेयर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करता है तो वो क्या कहलाई जाएगी? वो डोमिनेटिंग स्ट्रेटजी कहलाई जाएगी. मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को उसने सिलेक्ट किया तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी. तो बाकी स्ट्रेटजी से जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं तो ऐसी स्ट्रेटजी को हम कहते हैं कि वो स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजीज के द्वारा क्या करी गई है? डोमिनेटेड करी गई है. अब ये जो डोमिनेशन का जो हमारा कंसेप्ट है, ये बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है, ताकि हम अपने गेम को क्या कर पाएँ? सिंप्लीफाई कर पाएँ. और एक पर्टिकुलर गेम को अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास एक लिमिटेड स्ट्रेटजी अवेलेबल हो, ताकि हम अपने सॉल्यूशन तक, ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच पाएँ. तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी इसीलिए हमारे लिए यूजफुल होती है. तो इन सम गेम्स इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द साइज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमिनेटिंग रोज विच आर डोमिनेटेड बाय अदर रोज और कॉलम रिस्पेक्टिवली. अब देखिए, जो हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगा गेम में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अपने गेम को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब अपने पे ऑफ मैट्रिक्स का जो साइज है वो रिड्यूस करेंगे. अब रिड्यूस कैसे करेंगे? हम हर एक रो या फिर हर एक कॉलम को डिलीट करेंगे किसी दूसरी रोज के साथ, जो कि उसको क्या कर लेगी? डोमिनेट कर लेगी. अगर हम बात करें कि जो डोमिनेंस प्रॉपर्टी होती है रोज की, वो क्या होती है? यहाँ पर इफ ऑल द एंट्रीज इन द रो शुड बी लेसर देन और इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ द रो अनदर रो, इफ येस रो कैन बी डिलीटेड. देखिए, अगर आपको डोमिनेंस प्रॉपर्टी अपने रोज में लगानी है तो आपको एक पर्टिकुलर रो सेलेक्ट करनी है. अगर वो पर्टिकुलर रो की सारी वैल्यू लेसर और इक्वल टू है बाकी रोज की वैल्यू से, तो आप उस रो को क्या कर दोगे? डिलीट कर दोगे. ओके, उसी तरीके से अगर आप कॉलम में डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा अपनी सारी एंट्रीज कॉलम की. ओके, और उसे कंपेयर करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर कॉलम से. अगर वो पर्टिकुलर कॉलम की जो एंट्री की वैल्यू है वो ग्रेटर देन या और इक्वल टू है सारी एंट्रीज के कॉलम की, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम को भी क्या करोगे? डिलीट कर दोगे. आइए मैं आपको एक एग्जांपल से शो करता हूँ. देखिए, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो रो होता है उसमें आपको मिनिमम वैल्यूज जो होती हैं उनको डिलीट करना होता है, और कॉलम में आपको मैक्सिमम वैल्यूज को डिलीट करना होता है. तो रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम, एक तो आपको ये ध्यान रखना है. वैसे ही जब आप रो में डोमिनेंस लगाते हैं तो आपकी जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं रो की, मतलब उसे मैं एक्स से लेट कर सकता हूँ, वो होनी चाहिए मेरी लेसर देन इक्वल टू वाई. अब देखिए, यहाँ पर एक पे ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपको दो रोज दे रखी हैं और थ्री कॉलम दे रखा है. अब क्योंकि मैं यहाँ पर रो डोमिनेंस लगा रहा हूँ तो मैं इन दो रोज को कंपेयर कर रहा हूँ. अगर ऊपर वाली रोज की सारी वैल्यू लेसर देन इक्वल टू नीचे वाली रो की होगी तो ऊपर वाली रो मेरी कैंसिल हो जाएगी. आइए चेक करते हैं. देखिए, फोर इज लेस देन फाइव, सिक्स इज इक्वल टू सिक्स एंड माइनस फाइव इज लेस देन माइनस थ्री. तो मतलब ये जो रो की वैल्यूज हैं ये इस रो की वैल्यूज से क्या है? लेसर देन है और साथ साथ इक्वल टू भी है एक वैल्यू. तो हम क्या करेंगे? इस रो को डिलीट कर देंगे. ओके, तो मतलब ये रो जो है वो इसके द्वारा क्या करी गई है? डोमिनेट करी गई. तो मतलब इस रो को इसने डिलीट कर दिया, ये वाली रो ने, तो ये डोमिनेटेड रो कहलाई जाएगी. देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कॉलम डोमिनेंस की बात करते हैं तो हमें कॉलम में चेक करना होता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से. अगर ऐसा होता है तो हम उस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर देंगे. जैसे कॉलम वन की अगर मैं वैल्यूज को कंपेयर करूँ कॉलम टू से, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए. जैसे फोर जो है वो ग्रेटर देन है टू से, जीरो जो है वो ग्रेटर देन है माइनस वन से, एंड माइनस थ्री जो है वो माइनस थ्री के ही बराबर है बगल वाली. तो ये वाली जो मेरा कॉलम होगा मेरा वो डिलीट हो जाएगा. तो मतलब इस वाले कॉलम को इसने डोमिनेट कर लिया है. तो इस तरीके से हम रो डोमिनेंस और कॉलम डोमिनेंस करते हैं. कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभार ये जो कॉलम और रोज होती हैं वो डिलीट नहीं हो पाती हैं. ओके, कुछ ऐसी वैल्यूज हमें मिल जाती हैं कि जो ग्रेटर भी हो रही है और स्मॉलर भी हो रही है. तो उस केस में हमें एवरेज आउट का कंसेप्ट करना पड़ता है. मतलब दो रोज को या फिर दो कॉलम के एवरेज वैल्यूज को लेके तीसरी पर्टिकुलर वैल्यू से कंपेयर करना होता है. तो इसको हम मॉडिफाइड रो डोमिनेंस कहते हैं. जिस तरीके से आप अगर यहाँ पर रो डोमिनेंस लगाना चाहें तो आप क्या करेंगे? अपनी एक हर पर्टिकुलर रोज को बाकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज से आप कंपेयर करेंगे. अगर वो पर्टिकुलर रोज
जो है वो लेसर देन इक्वल टू है, तो रो में क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू वाई होनी चाहिए, और कॉलम में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होनी चाहिए। तो अगर रो में लेसर देन इक्वल टू वाई है तो वो रो डिलीट हो सकती है। जैसे मैं अगर इस रो को कंपेयर करूं तो टू जो है वो लेस है फाइव से, लेकिन फोर जो हो गया वो ग्रेटर हो गया, तो ये डिलीट नहीं हो पाएगी। वैसे अगर मैं इस रो को कंपेयर करूं इन दोनों से, तो फाइव जो है वो लेसर है ही नहीं, ओके ग्रेटर है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। वैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जीरो जो है वो लेसर तो है टू से, लेकिन एट जो है वो ग्रेटर है, तो यहाँ पर आपका रो डोमिनेंस नहीं हो पा रहा। तो ये एक मॉडिफाई रो डोमिनेंस का कंसेप्ट है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, आपको कोई दो रो सिलेक्ट करके उनका एवरेज लेके आपको तीसरे रो से कंपेयर करना होता है। तो सपोज मैं यहाँ पर अगर इन दो रो को ले लेता हूँ, इन दो का एवरेज करता हूँ, तो 5 + 0 / 2, तो इसका एवरेज आ गया मेरा 2.5, और 0 + 8 / 2, इसका एवरेज आ गया 4। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, क्या ये वाली वैल्यूज इस एवरेज से छोटी है, तो 2 हाँ लेस है 2.5 से, और 4 जो है वो ग्रेटर है, सॉरी इक्वल है इस 4 के, तो अब क्या हो सकता है, ये रो डिलीट हो सकती है। इस तरीके से कॉलम के साथ भी होगा। तो अगर मैं कॉलम को देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम्स हैं। तो कॉलम में क्या होता है, कॉलम में आपको देखना पड़ता है कि जो वैल्यूज हैं एक पर्टिकुलर कॉलम की, वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू आनी चाहिए। अगर आ रही है तो वो पर्टिकुलर कॉलम डिलीट हो जाएगा। जैसे 8 जो है वो लेसर देन है और 3 जो है वो ग्रेटर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो 15 जो है वो ग्रेटर है 8 से, लेकिन 1 जो है वो स्मॉलर हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। वैसे अगर मैं इसको बात करूँ, 1 जो है वो स्मॉलर है इन दोनों से, और 4 जो है वो ग्रेटर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक तो ग्रेटर मिल जा रहा है, लेकिन दूसरा हमारा स्मॉलर हो जा रहा है, जिस कारण ये सेल डिलीट नहीं हो पाएगा, पर्टिकुलर कॉलम डिलीट नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पर भी एवरेज आउट लगाना पड़ेगा। तो हम कोई भी दो कॉलम को आपस में लेके उसका एवरेज निकाल के तीसरे कॉलम से उसको कंपेयर करेंगे। तो जैसे अगर मैं ये दो कॉलम, इन दो वैल्यूज को लूँ, तो 15 + 1 16 होता है, और 16 / 2 8, इसका एवरेज 8 आया। वैसे 4 + 1 5 5 / 2, इसका एवरेज मेरा 2.5 आया। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, अगर ये वैल्यूज इनसे बराबर या बड़ी है तो ये कॉलम मेरा डिलीट हो जाएगा आराम से। तो 8 जो है वो बराबर ही है 8 के, ओके, और 3 जो है वो हमारा इक्वल है 2.5 के, तो ये कॉलम मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो ये हमारा कंसेप्ट है हमारा डोमिनेंस का। आइए अब न्यूमेरिकल की मदद से हम सीखते हैं आगे कि किस तरीके से हमने अप्लाई करना होता है। देखिए स्टूडेंट, जो हम पहला अपना कंसेप्ट सीख रहे हैं जिसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे, वो है हमारा डोमिनेंस प्रॉपर्टी विद प्योर स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है कि द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द पे ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेयर ए, सॉल्व इट ऑप्टिमली यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम सर्च करेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा है। तो यहाँ पर हम रो मिनिमम सर्च करेंगे, तो रो मिनिमम, इस रो में कौन सी मिनिमम वैल्यूज है, तो इस रो में है 4। वैसे सेकेंड रो में कौन सी मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पर है हमारी 5। वैसे इस रो में मिनिमम वैल्यू हमारी 8 है, और लास्ट रो में जो मिनिमम है वो हमारी 4 है। अब जो हम मिनिमम वैल्यू सर्च करते हैं उसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 8 है, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, अपना मैक्सिमिन कहते हैं, मैक्सिमिन, क्योंकि हमने मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करी है। उसी तरीके से हमें कॉलम को देखना है, और कॉलम में से हमें मैक्सिमम वैल्यू पहले सेलेक्ट करनी है। तो ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी 8 है। वैसे सेकंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू हमारी 9 है, थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू हमारी 11 है, फोर्थ कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू हमारी 10 है, और फिफ्थ कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू हमारी 10 है। अब इन मैक्सिमम वैल्यू में से हमें मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपना मिनी मैक्स बोलेंगे, ओके। तो जहाँ पर मिनी मैक्स और मैक्सिमिन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, तो वो क्या होता है, हमारा वैल्यू ऑफ गेम होता है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिनी मैक्स और मैक्सिमिन वैल्यू दोनों यहाँ पर क्या है, इक्वल है, तो मिनी मैक्स जो वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमिन के ही बराबर है, ओके। तो 8 = 8, तो मतलब ये हमारा सैडल पॉइंट हो गया, और जहाँ पर सैडल पॉइंट होता है उसी सेल को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम मेरा कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। अब इसी के हिसाब से, ये जो वैल्यू ऑफ गेम है, इसी के हिसाब से मैं अपने प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ दोनों प्लेयर की, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। तो प्लेयर ए ने कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करी है, थर्ड स्ट्रेटेजी। वैसे प्लेयर बी ने कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करी है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, तो प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो प्लेयर ए की जो प्रोबेबिलिटी होंगी वो देखिए, प्लेयर ए ने फर्स्ट सेलेक्ट नहीं करा तो उसके लिए 0, सेकेंड नहीं करा तो उसके लिए भी 0, थर्ड सेलेक्ट कराया तो उसके लिए 1, और फोर्थ नहीं किया तो उसके लिए 0। इसी तरीके से अगर मैं प्लेयर बी के प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो प्लेयर बी ने देखिए फर्स्ट स्ट्रेटजी को ही सिलेक्ट किया है तो इसके लिए 1 प्रोबेबिलिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को नहीं सिलेक्ट किया है तो उन सब के लिए 0, 0, 0 और 0,
हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्योर स्ट्रेटेजी से अपने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करा। आइए देखते हैं जब हम इसमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हम किस तरीके से अपना जो वैल्यू ऑफ गेम है और जो प्रोबेबिलिटी है वो सर्च करते हैं। तो देखिए यही डेटा को मैंने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है। प्लेयर ए की 4 स्ट्रेटेजीज हैं एंड प्लेयर बी की 5 स्ट्रेटेजीज हैं। तो डोमिनेंस रूल लगाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रो का टोटल करना होगा। तो हम यहाँ पर रो टोटल करते हैं। देखिए रो टोटल करेंगे तो इस रो का टोटल करके आ रहा है 31, वैसे इस रो का टोटल करके आ रहा है आपका 39, वैसे इस रो का टोटल करके आपका आ रहा है 47, और लास्ट वाली रो का टोटल करके आपके पास आ रहा है 30। अब रो टोटल फाइंड आउट करने के बाद हमें रो टोटल में से सबसे लीस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 30। तो इसके आगे ये जो रो है इन सारी वैल्यूज को, अब क्योंकि मैं यहाँ पर डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो अभी हमने सीखा जो डोमिनेंस प्रॉपर्टी हमारी रो के लिए होती है वो क्या होती है कि जो पर्टिकुलर रो ये हमारे पास आ गया, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेसर देन इक्वल टू होनी चाहिए बाकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग रोज के। अगर ऐसा हो रहा होगा तो ये वाली रो मेरी डिलीट हो जाएगी। आइए मैं इसको कंपेयर करता हूँ अपने फर्स्ट रो से। तो 6 जो है वो हमारा ग्रेटर आ गया, तो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे, नहीं हो पाएगा। वैसे यहाँ पर 6 जो है स्मॉलर है 7 से, सही है। 4 हमारा स्मॉलर है 8 से, 10 यहाँ पर ग्रेटर आ गया तो इससे भी नहीं हो पा रहा। वैसे थर्ड रो में से देखते हैं, 6 जो है स्मॉलर है 8 से, 4 स्मॉलर है 9 से, 10 स्मॉलर है 10 11 से, 6 स्मॉलर है 10 से एंड 4 स्मॉलर है हमारा 9 से। तो ये वाली रो अब क्या हो सकती है, डिलीट हो सकती है। ओके, तो इस रो ने डोमिनेट कर दिया है। उसके बाद अब ये वाली सेल हमारी रो जो वैल्यू है वो डिलीट हो गई है। अब हमें ऐसे फर्दर स्टेप फर्दर जाना है। अब फर्दर इसके बाद हम देखेंगे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 30 के बाद हमारी 31 है। अब हम इस सेल वैल्यूज को बाकी अपनी रिमेनिंग रोज की उससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या वो लेसर, क्या ये वाली वैल्यूज लेसर और इक्वल टू है। तो इस फर्स्ट रो को हम सेकंड से कंपेयर करते हैं, 4 जो है वो लेसर है 7, ओके 7 से, 6 लेसर है इससे, 5 इक्वल टू है, 10 ग्रेटर आ गया तो ये नहीं हो पाएगा। अब इसको हम इनसे कंपेयर करेंगे तो 4 जो है वो लेसर है 8 से, 6 जो है वो लेसर है 9 से, 5 जो है लेसर है 11 से, 10 जो है इक्वल है, 6 जो है लेसर है 9 से। तो ये वाली वैल्यूज लेसर और इक्वल टू है थर्ड रो से, थर्ड रो के हिसाब से, तो हम इसको आप डिलीट कर देंगे। तो मतलब इस रो को इस वाले रो ने डोमिनेट कर दिया है। इसके बाद वैसे ही हम अपना नेक्स्ट में जाएंगे। अब हम इसके बाद लीस्ट वैल्यू देखेंगे, तो इसके बाद वाली लीस्ट वैल्यू ये है 39। ओके, तो अब इन वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे अपनी रिमेनिंग वैल्यू से, क्या वो लेसर और इक्वल है। तो 7 जो है वो लेसर है 8 लेसर है 9 से, 5 लेसर है 11 से, 9 लेसर है 10 से, लेकिन 10 लेसर नहीं है 9 से, तो ये नहीं हो पाएगा। ओके, तो नहीं हो पा रहा। अब इसके बाद हम 47 को भी कंपेयर करके देख लेंगे, ठीक है। तो 47 के जो हमारी रो वैल्यूज है वो ये है, 8 जो है वो ग्रेटर है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जब हम प्योर स्ट्रेटेजी में होते हैं तो हमारे को अपनी सारी रोज और कॉलम को डिलीट करना होता है। तो रो से तो हमने देख लिया हमारी यहाँ पर डिलीट नहीं हो पा रही है, बस 2 ही हमारे जो रो हैं वो डिलीट हो पाए हैं। अब जो रिमेनिंग हमारे रोज और कॉलम बचे हैं उनको हमें कॉलम के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट, रो रिडक्शन करने के बाद हम कॉलम रिडक्शन करेंगे जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज बची हैं उससे। तो कॉलम रिडक्शन करने के लिए हमें वही कॉलम का पहले सम करना पड़ेगा। तो इन दोनों का सम करके हमारा 15 आ रहा है, एक मिनट में इसे नोट कर लेता हूँ, 15। वैसे 8 प्लस 9 मेरा 17 है, 11 प्लस 5 16, 10 प्लस 9 इज 19 एंड 10 प्लस 9 इज 19। ओके, तो एडिशन करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है। तो हाईएस्ट वैल्यू 2 है, तो मैं इस पहले इसको ले लेता हूँ। अब क्या है, अब यहाँ पर हमें कॉलम डोमिनेंस लगाने के लिए क्या कंडीशन होता है कि ये पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू बाकी सारों से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। अगर होगी तो ये कॉलम मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आइए मैं कंपेयर करता हूँ इस कॉलम को अपने सारे कॉलम से। तो 9 जो है वो 7 से ग्रेटर है और 10 जो है वो 8 से ग्रेटर है, तो इस कॉलम ने इसको डोमिनेट कर दिया, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं सेकेंड अपना देखूंगा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो इसके बाद ये है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा बाकी कॉलम से, तो 10 जो है वो ग्रेटर है 7 से और 9 जो है वो ग्रेटर है 8 से, तो इस कॉलम ने हमने डोमिनेट कर दिया इसको, तो ये डिलीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वो हमारा 17 है, तो मैं इसको लूंगा। अब इन कॉलम की वैल्यूज को बाकी कॉलम से कंपेयर करूंगा, तो 8 जो है वो ग्रेटर है 7 से, 9 जो है वो ग्रेटर है 8 से, तो ये कॉलम भी डिलीट हो जाएगा, इस कॉलम ने इसे डोमिनेट कर लिया है। अब इसके बाद ये वाला कॉलम है 16, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंपेयर करता हूँ इस वैल्यूज को, 5 जो है वो लेसर हो गया तो ये नहीं हो पाएगा। अब लास्ट में हमारा ये बचा है, मैं इसको कंपेयर करूंगा, तो 7 जो है वो ग्रेटर है 5 से, 8 जो है वो स्मॉलर रह गया, तो नहीं हो पा रहा है।
तो रो डोमिनेंस और कॉलम डोमिनेंस करने के बावजूद भी हमारे पास क्या बचे हैं, अभी दो 2x2 मैट्रिक्स बची है। तो प्योर स्ट्रेटेजी में हमें करते रहना पड़ता है कॉलम रिडक्शन, रो रिडक्शन। तो पहले हमने रो रिडक्शन करा, फिर कॉलम करा, अब फिर से हमें रो रिडक्शन करना पड़ेगा जब तक लास्ट वैल्यू ना बच जाए, लास्ट सेल की वैल्यू ना बच जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अब पे ऑफ मैट्रिक्स रिमेनिंग है, अब इसमें हम फिर से रो डोमिनेंस लगाएंगे अपना। तो इन रो को हम देखते हैं, तो इसका पहले हमें टोटल करना पड़ेगा। तो 7 + 5 हमारा 12 होता है और 9 + 8 हमारा 17 होता है। तो लीस्ट वैल्यू किस में है, तो लीस्ट वैल्यू हमारी 12 है। तो इस रो को हम कंपेयर करेंगे इस रो से, तो 7 जो है वो लेसर है 8 से और 5 जो है वो लेसर है 9 से। तो क्योंकि लेसर है, अब ये वाली जो रो है हमारी डिलीट हो जाएगी। ओके, उसके बाद अब एक सिंगल बचा है, तो अब हमें कॉलम लगाना पड़ेगा। ओके, तो आइए कॉलम लगाते हैं। तो कॉलम लगाने के बाद हमें देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर एक गलती हो गई है। यहाँ पर 9 की जगह 11 है हमारा, तो हम इसको 11 नोट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा वैसे तब भी ये हमारा डिलीट हो ही जाता, तो 5 जो है वो 11 से लेस होता है। अब देखिए इसमें कॉलम लगाएंगे, तो कॉलम लगाने के लिए हम अब कंपेयर करेंगे। अब इस कॉलम का टोटल कितना है, 8 है, और इस कॉलम का टोटल कितना है, 11 है। तो हम हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं 11, तो 11 जो है वो इस कॉलम से ग्रेटर है, तो मतलब हमारा जो 11 वाला होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 8 बचा। ओके, तो 8 हमारा वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगा। और इससे हमें पता चल गया है कि प्लेयर जो ए है, यहाँ पर हमारा प्लेयर ए था और ऊपर साइड में हमारा प्लेयर बी था, तो ए ने कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करी, थर्ड, और बी ने कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करी, 1। ओके, तो अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं प्लेयर ए का निकालना चाहूँ, तो प्लेयर ए के पास 4 स्ट्रेटेजी थी, जिसमें से उसने थर्ड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट स्ट्रेटेजी को नहीं किया तो 0, सेकंड नहीं हुआ तो 0, थर्ड हुआ तो उसके लिए 1, और फोर्थ नहीं हुआ तो उसके लिए 0। उसी तरीके से प्लेयर बी का भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्लेयर बी ने फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करी है, बाकी 4 जो है वो नहीं करी, तो फर्स्ट के लिए तो 1 हो जाएगा, बाकी 4 के लिए 0 रहेगा। और वैल्यू ऑफ गेम यहाँ पर क्या आया है, वैल्यू ऑफ गेम यहाँ पर 8 आया है। तो इस तरीके से हम प्योर स्ट्रेटेजी में अपना डोमिनेंस रूल अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी और वैल्यू ऑफ गेम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डोमिनेंस प्रॉपर्टी विद मिक्स स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर हमें एक पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं एंड प्लेयर बी के पास 4 स्ट्रेटेजीज हैं। तो देखिए डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमें सैडल पॉइंट चेक करना होता है कि क्या यहाँ पर सैडल पॉइंट आ रहेगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम करना है। तो हम रो मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। तो इस रो में जो मिनिमम वैल्यू ये है हमारा 5, -3, 3 एंड 4। तो -3 मेरा मिनिमम होगा। ओके, इस रो में -4, 5, 4, 5, तो इसमें मिनिमम मेरा -4 है, और इसमें है 4, -4, -3 एंड 3, तो इसमें मिनिमम हमारा 4 है। ओके, अब इन मिनिमम से हमें मैक्सिमम वैल्यू सर्च करनी होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा -3 है, तो ये हमारा मैक्सिमिन कहलाया जाएगा। वैसे उस तरीके से अब कॉलम में हमें मैक्सिमम वैल्यू सर्च करनी है। तो इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू हमारी 5 है, इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू सेम 5, इस कॉलम में मैक्सिमम हमारा 4 है, और इस कॉलम में मैक्सिमम हमारा 5 है। अब इन मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, मिनीमैक्स। ओके, तो इन मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को मैं नाम देता हूँ मिनीमैक्स। अब देखिए यहाँ पर मिनीमैक्स वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू -3 है, तो मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरी, वो इज नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे कोई सैडल पॉइंट नहीं मिल पाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी -3 थी, जो कि बराबर नहीं होती 4 के। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर सैडल पॉइंट नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पर आराम से प्रोबेबिलिटी तो नहीं निकाल पाएगी जैसे हम प्योर स्ट्रेटेजी में निकाल पाए थे। तो हमें यहाँ पर डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके लिए यही क्वेश्चन मैं फिर से नोट कर लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने ये पे ऑफ मैट्रिक्स को नोट कर लिया है। अब यहाँ पर डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाने के लिए सबसे पहले मैं रो डोमिनेंस से शुरू करूंगा। तो रो डोमिनेंस के लिए पहले मुझे रो टोटल करना पड़ता है। तो इस रो का टोटल करता हूँ मैं। तो यहाँ पर 5 + -3 + 3 + 4, ये होता है हमारा 9। वैसे ही फिर है -4, 5 + 5 + 4 + 5, ये होगा हमारा 10। उसके बाद है हमारा 4 + -4 + -3 + 3, ये हमारा होगा 0। ओके, अब इसके बाद हमें सबसे पहले लीस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है रो टोटल करने के बाद। तो लीस्ट वैल्यू जैसे कि हमारा 0 है, अब ये मेरी रो सिलेक्ट हो गई है एक पर्टिकुलर रो। अब रो डोमिनेंस का प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो पर्टिकुलर रो है इसकी वैल्यू लेसर देन इक्वल टू होनी चाहिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो से। अगर ऐसा होगा तो रो, ये पर्टिकुलर रो मेरी डिलीट हो जाएगी। ओके, तो कंपेयर करते हैं फर्स्ट रो से। 4 < 5 से, -4 < -3 से, -3 < 3 से, और 3 जो है वो लेस है 4 से। तो ये रो हो सकती है हमारी डिलीट। ओके, तो इस रो ने इसको डोमिनेट कर दिया है। इसके बाद वैसे ही हम अपने नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू में जाएंगे, तो वो है हमारा 9।
अब इन पर्टिकुलर रोज की वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा इससे, क्या वो लेस है, तो 5 इज नॉट लेस देन -4, तो ये नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जाना पड़ेगा, तो अब 10 को देखते हैं। अब ये वाली रो को कंपेयर करता हूँ मैं इससे, क्या ये सारी वैल्यूज जो हैं लेस हैं, तो -4 लेस है 5 से, ठीक है, 5 जो है वो ग्रेटर हो गया, तो ये भी नहीं हो पा रहा। तो खाली रो डोमिनेंस करके हमारे को बस एक ही हमारा जो रो है वो डिलीट हो पाया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें कॉलम डोमिनेंस करना पड़ेगा। तो जो रिमेनिंग हमारी सेल वैल्यू है उसको पहले हमें नोट करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो रिमेनिंग मैट्रिक्स थी वो मैंने यहाँ पर नोट कर ली है। अब यहाँ पर हम कॉलम डोमिनेंस लगाने से पहले सबसे पहले कॉलम टोटल करेंगे। तो इसका टोटल हमारा आएगा 1, वैसे इसका टोटल आएगा हमारा 2, इसका टोटल हमारा 7, और इसका जो टोटल है वो हमारा 9 आ रहा है। अब यहाँ पर हम हाईएस्ट, अपने जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 9 है। अब ये पर्टिकुलर कॉलम वैल्यूज़ को हम देखेंगे। अब कॉलम डोमिनेंस की प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए जो पर्टिकुलर सेल है वो कॉरस्पॉन्डिंग सेल से। अगर ऐसा है तो ये कॉलम मेरा डिलीट हो जाएगा। तो कंपेयर करता हूँ सारे कॉलम से, तो जो 4 है वो ग्रेटर नहीं है। ओके, इस तो इससे तो नहीं हो पा रहा। वैसे यहाँ पर चेक करते हैं, 4 जो है ग्रेटर है -3 से, और 5 जो है वो बराबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन हो रही है, तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा, मतलब इस रो ने इसको डोमिनेट कर दिया है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू में जाएंगे, तो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू हमारी 7 है। अब इस पर्टिकुलर सेल वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, 3 जो है वो लेस हो गया है, तो ये नहीं हो पाएगा। इससे कंपेयर करते हैं, 3 जो है ग्रेटर है -3 से, 4 जो है वो लेस हो गया, तो ये तो नहीं कर पा रहा। इसके बाद नेक्स्ट उसमें जाएंगे, तो नेक्स्ट कौन सा है हमारा, ये है। अब इसको कंपेयर करता हूँ कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है बाकी रिमेनिंग से, तो -3 लेस हो गया, नहीं हो पा रहा। इससे कंपेयर करते हैं, -3 लेस हो गया, इससे नहीं हो पा रहा। ओके, तो लास्ट हमारे पास ये सेल वैल्यू बची है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं क्या ये रिमेनिंग सेल वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो 5 जो है वो ग्रेटर है -3 से, लेकिन -4 जो है वो लेस हो गया। वैसे इससे कंपेयर करते हैं, 5 जो है ग्रेटर तो है 3 से, लेकिन -4 जो है वो फिर से लेस हो गया। तो कॉलम डोमिनेंस लगाने के बाद भी हमारा ये नहीं हो पा रहा है। तो मिक्स स्ट्रेटेजी में हमारा रो डोमिनेंस के बाद नहीं हुआ, कॉलम डोमिनेंस के बाद नहीं हुआ, फिर भी कुछ हमारे मैट्रिक्स रिमेन रह गए। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये मेरा एक तरीके से मॉडिफाइड कॉलम डोमिनेंस का केस हो गया, जो कि मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। जब हमारे कॉलम या फिर रोज की वैल्यू डिलीट नहीं हो पाती, तो हमें उसको एवरेज आउट करके डिलीट करना पड़ता है। तो आइए मैं जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं पहले उसको नोट कर लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी जो रो का वैल्यू है या फिर कॉलम की वैल्यू है वो आपस में डिलीट नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर मुझे एवरेज आउट करना पड़ेगा। तो रो डोमिनेंस के हिसाब से मैं एवरेज आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे दो स्ट्रेटेजीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिनका एवरेज करके थर्ड उससे कंपेयर करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं इन दो कॉलम्स का अपना एवरेज करता हूँ। तो क्या क्या वैल्यूज है मेरी यहाँ पर, तो 5 प्लस -3 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरा 2 बाय 2 इक्वल टू 1। वैसे ये है -4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो ये मेरा हो जाएगा एक तरीके से 1 बाय 2। ओके, तो दो वैल्यूज आई है, एक आई है 1 और एक आई है 1 बाय 2। अब मैं इनको इससे कंपेयर करूंगा अपनी थर्ड रो से, तो देखिए 3 जो है वो 1 से ग्रेटर है और 4 जो है वो 1 बाय 2 से ग्रेटर है। अब क्योंकि यहाँ पर ऐसा ग्रेटर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम मेरा डिलीट हो जाएगा। ओके, अगर ये नहीं डिलीट होता तो मैं बाकी दो कॉलम को लेके ऐसे कंपेयर करता, जैसे कि अभी मैंने इन दो कॉलम को लिया, तो उस समय मैं इस कॉलम को कंपेयर करता इन दो कॉलम के एवरेज से। वैसे अगर इसको कंपेयर करना होता तो इन दो कॉलम का एवरेज लेता। ओके, अगर इससे नहीं हो रहा होता तो पहली वाली से ही हमारा हो गया है। ओके, तो हमने क्या किया, इन इन दो का एवरेज लिया और इससे कंपेयर करा, और कंपेयर करने से ये सेल वैल्यू डिलीट हो गई है। अब देखिए मिक्स स्ट्रेटेजी में यहाँ पर हमारे पास 2 बाय 2 की मैट्रिक्स आ गई है। अब 2 बाय 2 की क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल हो गई है, तो हम आराम से इसमें ऑगमेंट अप्लाई करके, ऑगमेंट निकाल के प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो ये हमारे पास 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम इसमें ऑगमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो अब इस रो का जब हम ऑगमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, और इस रो का ऑगमेंट कैलकुलेट करके इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो 5 माइनस -3, तो ये हो जाएगा हमारा 8, तो इसका आंसर यहाँ पर, वैसे यहाँ पर 5 माइनस -4, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। उसी तरीके से कॉलम का हम ऑगमेंट फाइंड करेंगे, तो इस कॉलम का ऑगमेंट हम यहाँ लिखेंगे और इस कॉलम का ऑगमेंट हम यहाँ लिखेंगे। तो 5 माइनस -4 ये होता है हमारा 9, एंड 5 माइनस -3 ये होता है हमारा 8। तो ऑगमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब ऑगमेंट की मदद से हम प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक प्लेयर की, कि क्या स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फर्स्ट प्लेयर का जो फर्स्ट है P1, वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो 9 अपॉन में 9 प्लस 8। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 9 बाय 17। वैसे स्ट्रेटेजी 2 की प्रोबेबिलिटी 8 अपॉन में
एट प्लस नाइन। तो आप पहले ऊपर में आपका न्यूमिनेटर में वही ऑगमेंट और नीचे दोनों ऑगमेंट का सम, तो ये हो जाएगा 8/17। वैसे अब प्लेयर बी के मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा मेरा 8/8+9, तो ये मेरा हो जाएगा 8/17। उसी तरीके से दूसरा 9/8+9, तो ये हो जाएगा 9/17। तो इस तरीके से मैंने दोनों प्लेयर्स के प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, और अब प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के बाद आप वैल्यू ऑफ गेम को भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका भी हमने फॉर्मूला लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था। तो क्या होता है वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला, तो हमारे हमने फोर फॉर्मूले सीखे थे, तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे इस रो को इस ऑगमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे इस रो के सेल को इस रो के इस ऑगमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 9+8 से। ओके, ऑगमेंट के सम से। तो फॉर्मूला है हमारा 5×9+-4×8/9+8। तो 5×9 आपका कितना होता है 45, 9 5 जो 45 और 8 4 जो 32 होता है माइनस का। ओके, तो 45 -32 डिवाइड बाय 17, तो आपका आंसर आएगा 0.76। तो वैल्यू ऑफ गेम आ रहा है आपका 0.76। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में हम प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं दोनों प्लेयर की। तो प्लेयर ए की जो प्रोबेबिलिटी आई है, तो देखिए प्लेयर ए ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करी, एक तो स्ट्रेटेजी वन और एक स्ट्रेटेजी टू। ओके, और उसके पास कितनी स्ट्रेटेजी थी, टोटल 3 स्ट्रेटेजीज थी। तो इसका जो वैल्यू होगी वो कैसे लिखेंगे हम, तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी उसकी 9/17 है, सेकेंड स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करने की प्रॉबर्टी 8/17 है, और थर्ड उसने सेलेक्ट नहीं करी तो वो 0 हो जाएगा। वैसे ही प्लेयर बी के लिए भी मैं प्रॉबर्टी निकालूंगा, तो प्लेयर बी के पास टोटल 4 स्ट्रेटेजी थी जिसमें उसने फर्स्ट और सेकेंड ही सेलेक्ट करी है। तो फर्स्ट को सेलेक्ट करने की प्रॉबर्टी उसकी कितनी आ रही थी, 8/17 आ रही थी, और सेकेंड को सेलेक्ट करने की उसके पास आ रही थी 9/17, और थर्ड फोर्थ को उसने सेलेक्ट नहीं करा तो उसके लिए प्रॉबर्टी हो जाएगी मेरी 0 0। तो ये जो प्रॉबर्टीज थी ये हमने अभी फाइंड आउट करी थी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मिक्स स्ट्रेटेजी की मदद से यहाँ पर डोमिनेंस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया और इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया। आई होप स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा डोमिनेंस प्रॉपर्टी का, कि किस तरीके से हम अपने पे ऑफ मैट्रिक्स में डोमिनेंस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। चाहे क्वेश्चन मिक्स स्ट्रेटेजी का हो चाहे क्वेश्चन प्योर स्ट्रेटेजी का हो, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आगे ग्राफिक मेथड को सीखेंगे गेम थ्योरी के, जिसमें हमने 2×n गेम और m×2 गेम को सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक मेथड। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।